गवर्नमेंट को अब इस चीज को समझना होगा और हम 6 साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। गवर्नमेंट को अब इस चीज को समझना होगा और हम 6 साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये इस्लाम का बहुत बड़ा मरकज है बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ मुसलमान जमा हो सकते हैं। इंसिडेंट ने, इस एपिसोड ने एक चीज क्लियर कर दी है जी, कि इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का झंडा ऐसा है कि जिसके तले देवबंदी, बरेली, नदवी, अहले हदीस, शिया इकट्ठे हो सकते हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के पत्तलकारों में, जी हां, आपने सही समझा, पत्तलकारों में एक होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा फेंके हुए पत्ते चाट सकता है। इस होड़ को जीतते हुए अमिश देवगन इस रेस में कई आगे निकल चुके हैं, जिन्होंने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से एक खास समुदाय को टारगेट करने वाले अमिश देवगन खुल करके उस दिन एक्सपोज हो गए 15 जून को, जब उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कह करके निकल गए और उसके बाद जो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला, वो देश की जनता ने उन्हें बता दिया। देश के हर कोने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, और FIR ही नहीं सिर्फ उनके लिए, बल्कि प्रोटेस्ट किए गए, उनके पुतले जलाए गए, इसलिए कि उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि देश के बुजुर्गों का अपमान हिंदुस्तान सहने वाला नहीं है। जिसको लेकर के अमिश देवगन ने कल आकर के अपना एक माफीनामा तो नहीं कह सकते, एक खेदनामा प्रकट किया। उस खेदनामे को लेकर के आज हमने अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब से बात की, और उन्होंने अमिश देवगन के इस खेदनामे को लेकर के क्या कुछ कहा है, उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अमिश देवगन ने कल जिस तरीके से एक ड्रामा रचा है कि उन्होंने माफी नहीं मांग करके खेद जताई है, तो आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? हम किस तरह से देख रहे हैं, 6 साल से नाटक कर रहे हैं, आज पकड़े गए तो घुटनों के बल आ गए, इनमें कोई खेद है ना माफी है, इनकी दिल की बात होठों पर आ गई थी जी। तो गर्दन पे इनके घुटना रख रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, तो ये रो रहा है। हम इसे बख्शेंगे नहीं कि इस कोर्ट में तो लेके जाएंगे इसे जी, क्योंकि हमने ये भी देखा है, क्योंकि देश भर से हम लोगों के पास में जो है वीडियोज आए, पर कुछ जगह पर ये भी शिकायतें आई हैं के अजमेर शरीफ में FIR दर्ज कर दी गई है, तो कुछ दिल्ली में जैसे लोगों ने FIR दर्ज कराना चाहिए, तो दिल्ली पुलिस ने FIR ना दर्ज करके ये कहा है कि अजमेर में हो गई है तो उसी के तर्ज पर FIR दर्ज की जाएगी, बाकी जगह नहीं होगी। तो किस तरीके से देखते हैं जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है, दिल्ली पुलिस का, और यूपी में भी इसी तरीके की शिकायतें आई हम लोगों के पास में? यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है जी, उसकी, और दिल्ली में गवर्नमेंट तो केजरीवाल की है, लेकिन पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में अमित शाह के जी। और ये देवगन, ये जो जितना भी ये देवगन वगैरह जितने भी एंकर्स बैठे हैं, ये सब गोदी मीडिया हिंदू ब्रिगेड है ये तो जी, ये तो उसी के एजेंडे पे काम करते हैं, एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम एजेंडे पे जी। तो वो तो इनको सपोर्ट करेंगे, आज ये जो बोल रहे हैं तो अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा है, इनको तो बुलवाया जा रहा है जी, जब इनसे बुलवाया जा रहा है तो वो तो इनकी हिमायत करेंगी, कौन सी अजीब बात है जी। क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे थे, एक काफी लंबे अरसे से जो है एक खास कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा है गोदी मीडिया, और बदनाम करने की लगातार कोशिशें करता रहता है। हमने देखा है कि इससे पहले इन्होंने तबलीगी जमात को लेकर के मुद्दा उठाया था, और फिर अब दरगाह को लेकर के जिस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, जो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसे तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ये लोग, तो किस तरीके से आप लोग इन लोगों के खिलाफ एक्शन करने जा रहे हैं और क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप लोग अब इनके खिलाफ? देखिए, FIR दर्ज कर दी, आज पुतला जला दिया, और कौन सी कार्रवाई होगी जी? लीगल उससे ही डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही तो कर सकते हैं जी, और क्या कर सकते हैं। हमारे जो बस में था वो किया, और हमारे लोग जो है गरीब नवाज के चाहने वाले, हमारे मोतकी जो है वो ऑल ओवर इंडिया से इसकी FIR दर्ज करा रहा है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट आज तक इंडिया में किसी एंकर के खिलाफ नहीं हुआ,
जी, बाकी आप जो संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कई जगह पर हमने देखा कि लोग अग्रेसिव भी हुए, जी न्यूज के न्यूज 18 के दफ्तर तक पहुंचे। क्यों नहीं होंगे अग्रेसिव, क्यों नहीं होंगे भाई जी? सामने वाले तो हर बात पे अग्रेसिव होते हैं जी। हमारे ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, जिनको हम जान से प्यारा मानते हैं, जिनके दीवाने हैं लोग, उनके लिए कोई ऐसे अपशब्द बोलेगा तो एग्रेसिव क्यों नहीं होंगे जी? बिल्कुल, वो तो लॉकडाउन है, वरना तो ऐसा आंदोलन होता कि देश देखता कि आंदोलन किसे कहते हैं जी। और फिर देखें हमारे लावा और सिमरिंग, ये तो वॉल्केनिक इरप्शन है। 6 साल से मुस्लिम कौम परेशान हो गई है, शिया, देवबंदी, नदवी, बरेलवी सब एक हो गए, तमाम खानकाह दरगाह, ये पहला इंसिडेंट है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे और गम गुस्सा है उनके अंदर, रोष है जी। सरवर चिश्ती साहब, मैं यहाँ ये आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि मीडिया में जो मेन लोग हैं मुस्लिम खास कम्युनिटी को प्रेजेंटेड करने वाले नहीं हैं, तो क्या आप लोग कोई बड़ा कदम उठाएंगे जिससे एक मुस्लिमों की जो छवि धूमिल करने की कोशिश लगातार 6 सालों से की जा रही है, उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम या कुछ ऐसा आप लोग कदम उठाने वाले? उसमें हम क्या कदम उठाएंगे, वो तो लॉकडाउन नहीं होता तो सब कुछ करते जी। और दूसरे ये कि इस इंसिडेंट ने, इस एपिसोड ने एक चीज क्लियर कर दी है जी, कि इंडिया में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का झंडा ऐसा है कि जिसके तले देवबंदी, बरेलवी, नदवी, अहले हदीस, शिया इकट्ठे हो सकते हैं। ये इस्लाम का बहुत बड़ा मरकज है बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, जहां मुसलमान जमा हो सकते हैं। और गवर्नमेंट को अब इस चीज को समझना होगा, और हम 6 साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब से हमने बात की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के इतिहास में ये एहतजाज दर्ज कर लिया जाए, क्योंकि ये वो एहतजाज है जिसको लेकर के कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अगर इस देश की राजनीति पर, सत्ता पर काबिज होना है तो देश के मुसलमानों को आपस में लड़वा दो, वो आपस में लड़ लेंगे और हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ऐसे लोगों को इस एहतजाज ने, जो लोगों ने अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज कराया, ऐसे सत्ताधारियों के मुंह पर करारे तमाचे जड़े हैं, क्योंकि चाहे कोई भी मसल के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे मुस्लिमों भी ये देखा जाए, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, सभी लोग एकजुट होकर के एक मंच के नीचे आए और अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज कराई, और FIR ही नहीं दर्ज कराई बल्कि उनके खिलाफ जेल में डालने की मांग भी उठी। इसी को लेकर के सैयद सरवर चिश्ती साहब ने कहा कि वो बस एक महज ड्रामा था, जो ड्रामा अमीश देवगन ने रचा, जो उनके दिल में था वो दिमाग से जुबा पर आ गया और वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे वो अपना खेदनामा प्रकट करें, चाहे माफीनामा प्रकट करें, अब बात सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में की जाएगी। तो वहीं आज कुछ तस्वीरें अजमेर शरीफ से हम लोगों के सामने आई, जहां लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया और अमीश देवगन के खिलाफ एक भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज हम लोग यहाँ तमाम खुद्दामे ख्वाजा और मुसलमानों ने अजमेर इकट्ठा हुए हैं इस बात को लेकर कि उस शैतान अमीश देवगन पत्रकार, जो पत्रकारिता के नाम पर एक बदनुमा दाग है, उस जैसे पत्रकार की वजह से पूरी पत्रकारिता बदनाम होती है। ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता से बहिष्कार करना चाहिए, उसको इस अपनी कमेटी से निकाल देना चाहिए। गरीब नवाज की बारगाह की, गरीब नवाज की शान में इस शैतान ने जो गुस्ताखी करी है, ये कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं, छोटी मोटी हस्ती नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गरीब नवाज को अमन और चैन के पैगाम से जाना जाता है। गरीब नवाज सरकार के बारे में उस शैतान ने कहा कि लुटेरा, अबे शैतान तू दो कोड़ी का आदमी, तेरी जबान इस लायक नहीं कि गरीब नवाज का नाम ले सके। तुझ जैसे शैतान ने जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करी है, इसकी सज़ा तुझे कानून तो देगा ही, लेकिन दूर वो दिन नहीं जिससे तेरी दीन और दुनिया में जिल्लत होगी। और हम आशिकान गरीब नवाज, खुद्दाम गरीब नवाज ये पैगाम देते हैं, अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई ना की गई तो ये एहतजाज यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हम लॉकडाउन की पालना करते हुए बड़े ही नम्रता के साथ, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से इसका पुतला फूका है, इसका विरोध जताया है। अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की
तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान की एकता को जो तोड़ना चाहता है फिर ना कहना कि मुसलमान गलती करता है। बार बार मुसलमान और उसके सांप्रदायिक को, उसके माहौल को, उसकी अकीदत को, उसकी भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा है। इससे पहले तो हुआ नहीं करता था। 6 साल से मोदी सरकार आई है, उसके बाद ही आप देखो मस्जिदों पर, मंदिरों पर, दरगाहों पर मुसलमानों पर दिन ब दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? एक धर्म विशेष को टारगेट बनाने का मकसद क्या है? मैं जवाब चाहता हूँ मोदी सरकार से। वो कहता है सबका साथ सबका विकास, इतनी बड़ी बारगाह जिसके अंदर वो चादर भेजते हैं अपनी, मोदी सरकार अभी उरद शरीफ में अपनी चादर भेजी, क्या उनकी अकीदत गरीब नवाज की बारगाह से नहीं जुड़ी है? अगर वो दिल से चादर भेजते हैं, उनकी अकीदत गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ी है, तो हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे नीच पत्रकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह से तमाम जगहों पर अमित देवगन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसको लेकर के लोगों में रोष है, लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज करा दिया है, जिसको लेकर के अमित देवगन की चिंताएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते अमित देवगन चाहे कितनी माफ़ी मांगे, चाहे कितने खेदनामे प्रकट कर ले, अब बात सिर्फ कोर्ट में की जाएगी। ये ऐलान ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से कर दिया गया है, इस पर कोई भी माफ़ीनामा उनका लिया नहीं जाएगा। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, शुक्रिया।